लॉकडाउन के दौरान शराब माफिया लगातार सक्रिय है। इसी के चलते छतरपुर प्रशासन ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करीब 80 लाख की शराब जब्त की है। छतरपुर प्रशासन ने शराब ठेकेदार पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान में रखी 80 लाख की शराब जब्त की है। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि सिविल लाइन थाना के साइट रोड पर शराब की दुकान सील होने के बाद चोरी छुपे वहां से शराब निकालकर बेची जा रही है। इसी आरोप के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुकान में रखी अंग्रेजी और देसी शराब जब्त कर ली, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आबकारी एक्ट के तहत सिविल लाइन थाने के ठेकेदार पुरुषोत्तम शिवहरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज की कार्रवाई में लगभग दोनों दुकानों से लगभग 70 से 80 लाख की मदिरा जो दुकान में अंदर रखी हुई थी उसे जब्त करके, देसी और विदेशी दोनों उसे जब्त करके सुरक्षार्थ सिविल लाइन थाना की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है। सूचना लगातार मीडिया से प्राप्त सूचना है, हमारे जो पुलिस और आबकारी का जो मुखबिर तंत्र है उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिकायत मिल रही थी कि कुछ दुकानों से, विशेषकर 4 नंबर दुकान से मदरा जो है बाहर निकाली जा रही है और उसका अवैध परिवहन हो रहा है। दुकान सील थी, निकाली जा रही है और उसका अवैध परिवहन हो रहा है। इसी की दिशा में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का संयुक्त रात को जो निरीक्षण यहां कार्य किया गया है और आज की कार्रवाई संपन्न की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।